हेडलाइंस के बाद चलिए रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 200 बेड के सर्व सुविधा युक्त काटजू अस्पताल के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया और उसे जनता के लिए समर्पित किया। फिलहाल इस अस्पताल में कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जाएगा, इसके बाद आगे की व्यवस्थाएं सामान्य की जाएंगी। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। भोपाल में आज भी, भोपाल ने पूरे मध्य प्रदेश में आज भी 43 के केस आए, 33 तक पहुंच गए थे, 33 से बढ़ के 38 हुए, 38 से बढ़ के 40 हुए, 40 से बढ़ के 43 हुए। अब जब केस बढ़ रहे हैं तो हम निश्चिंत कैसे बैठ सकते हैं? बाकी प्रदेशों में भी कुछ जगह बढ़ रहे हैं, दुनिया के बाकी देशों में बढ़ रहे हैं, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम कोविड की तीसरी लहर से लड़ने की पूरी तैयारी करें इस समय। और इसी कड़ी में कल हम लोग शहडोल गए थे। हाँ, तीसरी लहर की शहडोल संभाग की व्यवस्थाएं मैंने देखी। आज ये कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में 200 कोविड डेडिकेटेड बिस्तर तैयार हुए, जिनमें से 150 ऑक्सीजन बेड है और 50 आईसीयू बेड है। इसके साथ भोपाल में बाकी अस्पतालों में भी क्या व्यवस्था की जाएगी उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कल मैं इंदौर जाऊंगा, 7 तारीख को जबलपुर जाऊंगा, मेरे मंत्री साथी भी लगातार इस काम में लगे। तो संभावित तीसरी लहर अगर आती है तो उससे लड़ने के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाओं का निर्माण करना है, चाहे अस्पताल में बिस्तर हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, वैक्सीनेशन तेजी से करना हो, उन सब प्रयासों में हम लगे हैं।